तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आप लोग को बताया था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्या आने वाला था, आने वाला है, क्या क्या आने वाला है एग्जाम में, वो जो सिलेबस है सीफेयरर ट्रस्ट का, उसमें से ही मैंने खुद तैयार किया है वो क्वेश्चन, और उसमें से ही क्वेश्चन आता है, इसका बाहर में से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैं दादा चौधरी, आप लोगों को स्वागत है। आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो, अगर सब्सक्राइब किया तो आप लोगों को कभी नुकसान नहीं होएगा। एक भी क्वेश्चन आपको दिमाग में गया तो आपका नुकसान उसमें नहीं होएगा। अगर आप इनलैंड वेसल में जिंदगी भर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर अगर दिमाग में है तो वो क्वेश्चन पकड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए बोलते हैं बुजुर्ग लोग भी बोल के गया कि नॉलेज कभी पकड़ में नहीं जाता है। जो नॉलेज है ये नॉलेज कभी भी पकड़ में नहीं जाता है, कौन सा भी नॉलेज। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं लास्ट एपिसोड में बता भी चुका है, आप सैंपल क्वेश्चन पहले कर लीजिए जो सीफेयरर ट्रस्ट दिया है, उसको बाद जो एग्जाम का लिए जो जितना दिन एग्जाम हो एग्जाम का लिए जो क्वेश्चन आया था वो कर लीजिए, और थर्ड पॉइंट में जो मेरा जो भी ये जो क्वेश्चन मैं यूट्यूब में दे रहा है ये आप कर लीजिए, बस 100% पास का गारंटी आप ले लीजिए। अभी तो आपको खर्चा करने को नहीं पड़ता है कुछ, बराबर नहीं। आप ही जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ही बैठ के पढ़ लीजिए, आप जहाज पे है तो जहाज में बैठ के पढ़ लीजिए, जहाँ पे अगर जहाज में है तो जहाज में बैठ के पढ़ लीजिए, आप घर में है तो घर में बैठ के, जहाँ पे है वहाँ पे पढ़ लीजिए, और जो कुछ क्वेश्चन का हो सके तो यूट्यूब में आप चेक कर लीजिए, अगर यूट्यूब में नहीं मिलते तो मुझे फ़ोन कीजिए, नहीं तो मैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। बस चैनल आपका है, ये चैनल आपको रगड़ना है या तो चैनल बंद करना है, ये आपका ऊपर है। मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद रिटायर पर्सन है। मैं रिटायर होने का नाते मुझे जितना ताकत था वो ताकत खत्म हो गया, मैं रिटायर पर्सन है। कभी भी मेरा ऊपर में बुलावा आएगा तो कभी भी निकल, ऊपर में जिस दिन बुलावा आएगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं यही रख के जाता आप लोग का पास, मेरा जो नॉलेज है मेरा साथ में चला जाएगा फोकोट में, लेकिन ये मैं आप लोग का पास रख के जाता है, ताकि आप लोग का अंदर में कोई ना कोई ये नाव खींच के लेके जा सके। ओके, तो मेरा साथी आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप में आ जाइए, 9819631432 व्हाट्सएप में दे दीजिएगा। आपका नाम, पहले आपका नाम बता दीजिए और आप कौन सा क्लास का एग्ज़ाम देना है वो बता दीजिए, उसमें लिख दीजिए व्हाट्सएप में, और क्वेश्चन का क्या प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन को दीजिए, तो वो मैं हो सके जितना मैं दे दूंगा। तो लास्ट वीडियो में आपको क्या दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो एग्ज़ाम का लिए सेकेंड क्लास मोटर इंजन, अभी सेकेंड क्लास का ही मैं 3 एपिसोड दे रहा है, सेकेंड क्लास का लिए दे रहा है, उसके बाद फर्स्ट क्लास का दूंगा, बाद में इंजीनियर का दूंगा। जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप कर लो, करने का बाद आपको कहाँ भी देखने पीछे मोड़ के देखने का जरूरत नहीं है। राडार कैसा है, कैसा चलता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग कैसा ऑपरेट होता है और कैसा होता है, वो छोटा लॉन्च है, जैसा लॉन्च गेट ऑफ इंडिया में चलता है, जैसा लॉन्च रिवर में चलता है, फेरी सर्विस में चलता है, ये छोटा लॉन्च है, उसके सुकान कैसा ऑपरेट होता है, उसको जो सुकान ऑपरेट कैसा होता है, और छोटा लॉन्च में गियर कौन सा रहता है, कौन सा गियर रहता है उसमें, हल क्या है, हल ये जो हल क्या है जनाब का, ये हल नहीं है गाना ने, हल क्या है जनाब का, ये हल नहीं है, जो हल क्या है या हल कौन सा हल है, ये जहाज का जो बॉडी है, लोकन का जो जहाज का बॉडी है इसको हल कहते हैं, हल प्लेट 10 mm का प्लेट रहता है, किसी किसी का और ज़्यादा रहता है,
जो उससे नीचे आएगा तो वो डाइडविंग करना पड़ता है। तो ये हल प्लेट, इसका नहीं पता हल क्या है। तो हल कर नहीं, खाने का हल खा जाता है, नहीं पानी में चलता है तो पानी में तो खा जंग खा के खा जाता है। और ऐसा खारा पानी में, खारा पानी में ज़्यादा से जाता है तो हल प्लेट के ऊपर में पानी का जो ये लगता है नहीं पानी, खारा पानी में खा जाता है, नमक है नहीं तो वो खा जाता है। तो दोस्तों वो हल नहीं खाने के लिए आप क्या क्या करता है, नहीं जो हल खाने के लिए क्या क्या करता है, हल में कुछ लगाता है होगा, तो क्या लगाता है, हरों कहाँ पे लगाता है, क्या चीज लगाता है, कहाँ पे लगाता है, ऐसा ही किनारे में खड़ा होकर नहीं लगा सकता क्या, हल में पेंट वगैरह लगाता है, ये लगाता है और क्या क्या लगाता है वो बताओ। फायर पंप कैसे काम करता है, टेल सेप में कौन सा बियरिंग आता है, टेल सेप में कौन सा बियरिंग आता है, जो प्रोपेलर का टेल सेप रहता है, टेल सेप में कौन सा बियरिंग आता है, डेक का ऊपर एयर वेंट क्या क्या रहता है, डेक का ऊपर एयर वेंट है, ऐसा टाइप का एयर वेंट है, ये डेक है, नीचे का जो है नहीं, ये डेक है, ये डेक में लगा हुआ है, इसमें वेल्डिंग क्या है यहाँ पे, और ऐसा रहता है वेंट, इसका अंदर जाली रहता है और इधर वाल रहता है, ये वाल नॉन रिटर्निंग का जैसा वाल है, खोलता है एयर जाता है, फ्लैप रहता है। डेक के ऊपर में यार वेंट क्या क्या रहता है, चेन कौन सा मेटल का है, कौन सा एंकर, कैसा एंकर जोड़ा है, एंकर को कैसा जोड़ा है, तो उसको नाम क्या है जो जोड़ता है एंकर को, उसको नाम क्या है, ऑयल बैरल कैसा रहता है, जो बैरल से जो ऑयल निकलता है वो कैसा निकलता है, और बैरल जो ऑयल भरा हुआ है वो कैसा डेक का ऊपर, मैं छोटा लॉन्च के बारे में बताता है, डेक के ऊपर कैसा लेता है, डेग मशीनरी का क्या क्या मेंटेनेंस करता है, जो डेग मशीनरी है उसको मेंटेनेंस आप क्या क्या करता है, क्योंकि डेग का मशीनरी आप सोचेगा ध्यान दो, मैं तो ड्राइवर है, वो देखेगा, मास्टर देखेगा, कभी नहीं, आपका जितना जहाज का अंदर मशीनरी है आप उसका इंचार्ज है भाई, कंपनी ने आपको देख कर ही वो जहाज आपको ऊपर दिया है, उसको जो इंश्योरेंस है आपको ही बुलाएगा, आपको ही सर्वेयर बुलाएगा, आपको देख के सर्वे देता है इंजन का, अगर मशीनरी में कुछ भी खराब है उसको ऊपर जिम्मेदार आप है, आपको जवाब देना पड़ेगा, एंटायर आपका क्रू जो आपका साथ में आपका क्रू है ये क्रू मिल के आपको जवाब देना है। तो दोस्तों डेग मशीनरी ओपी आपका अंडर में है, इसके लिए बहुत झगड़ा होता है, डेग का अंदर है वो, मैं क्यों ग्रीस दूँ भाई, मैं क्यों ऑयल डालू भाई, वो तुम देखो, डेग मास्टर को सर बोलते रहते, मास्टर तुम देखो, मैं भी तुम्हारा जोड़ी वाला है, तुम्हारे साथ मैं भी इंचार्ज है, तुम भी इंचार्ज है, मास्टर ही है, लेकिन हम बड़ा है ऐसा नहीं बोल सकता, एक जहाज में मास्टर का जितना दर्जा है, कैप्टन है वो मास्टर है, हम इंजीनियर है हमारा भी उतना ही दर्जा है, कोई छोटा नहीं है, दोनों ही इंचार्ज है, मास्टर उसका इंचार्ज है डेक का, इंजीनियर इंजन का इंचार्ज है, दोनों ही सेम, लेकिन मास्टर इंजीनियर से उसको दर्जा बड़ा है, मास्टर है, इसके लिए मास्टर लोग कभी भी देखो बोलते मैं कैप्टन हूँ, माई सी माई ऑर्डर, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर माई सी माई ऑर्डर एक इंजीनियर इंजन बंद कर दिया ये तो इंजन चालू नहीं करेगा, चलो मेरा ऑर्डर कभी कर इंजन चालू नहीं होएगा, मास्टर क्या करेगा, डालो एंकर रास्ता में, इसके लिए किसी का साथ झगड़ा करके पानी खत्म है सर्विस नहीं कर सकता, सब सेम है, सब मेरा भाई है, सब मेरा साथी है, इसके लिए कोई भी जहाज में जब आप जाओगे कभी भी झगड़ा नहीं करना है, भले वो मास्टर हो, भले वो कैप्टन हो, भले एक लश्कर हो, भले एक कुक हो या स्टुअर्ट हो, सब समय करने वाला स्टुअर्ट हो, नो सब दोस्त है, सब भाई है, किसी का तो क्योंकि वो पानी खाता में है भाई, आप पानी के ऊपर है, आपको किधर फेंक दिया जाएगा तो आप किधर नहीं जा सकता, पानी में मर जाओगे, इसके लिए किसी का साथ झगड़ा करके आप दिन नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों जाने दो, वो सब जहाज में जाने का बात है,
पास होने के बाद ही वो सब थिंकिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी आप इंजन का जो सी फिल्टर है, सी फिल्टर में कौन सा पेंट लगाते हैं, जो मेन इंजन रूम में जो सी फिल्टर रहता है, सी फिल्टर में जो पेंट कौन सा लगाता है, ओके, कैसा साफ करता है सी फिल्टर, इंजन रूम में पेंट का क्या काम है, फायर एक्सटिंग्विशर का कलर बताओ। अभी फायर एक्सटिंग्विशर आप फायर लग गया फिर सोचते रहेगा वो कौन सा है भाई, वो कौन सा, अरे उसका नॉजल है क्या नहीं देख, अरे उसका ये नॉजल इधर है, ये फॉर्म टाइप है, ये डाई केमिकल नहीं, कलर देखेगा आप बोल देगा ताबड़तो जो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कलर कोड, क्योंकि आपका नजर झट से पड़ता है। अब इंजन रूम में फॉर्म टाइप रहता है आपको मालूम है, डाई केमिकल पाउडर आउट फॉर्म टाइप रहता है, और डेग में व्हील हाउस में आपका वाटर टाइप रहता है, ये भी आपको मालूम है, लेकिन बाई चांस अगर उसमें भी कलर कोड नहीं है तो आप गलती में कोई खलासी को बोला और या तो कोई ग्रेजर को बोला, वो लाके इधर का ये लाके उधर इंजन रूम में डाल दिया जो वाटर टाइप लाके, इसके लिए कलर कोड है तो आप झट से देख लेना, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं। वोल्ट क्या है, कारण हीट रेजिस्टेंस यूनिट ऐसा यूनिट, ये सब कंप्लीट कर लो। जो करंट किसको बोलते, करंट क्या है, हीट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसको सब यूनिट ऐसा यूनिट जो है उसको वो यूनिट आप कंप्लीट कर लो। फिर वोल्ट क्या है, कैसा नापता है उसको, एम्पियर मीटर से क्या नापता है, और ड्राई सेल क्या है, वेट सेल क्या है, दूसरा 12 वोल्ट का बैटरी या तो डायनमो, 12 वोल्ट का बैटरी का जो वोल्टेज बढ़ाओ या तो उसका वोल्टेज कम करो, एम्पियर बढ़ाओ, डायनमो उसको चार्जिंग कैसे होता है, डायनमो से स्विच, 12 वोल्ट का बैटरी जो चार्जिंग होता है वो डायनमो से चार्जिंग होता है, नहीं तो कैसे होता है, स्विच बोर्ड में क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रिक में क्या चलता है, इलेक्ट्रिक में आपका क्या क्या चलता है, जहाज में फ्यूज, मेन स्विच, सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, क्यों देता है, सॉकेट का क्या काम है, एसी मोटर डीसी मोटर में फर्क क्या है, एसी डीसी क्या चीज है, एसी और डीसी क्या है, क्या चीज है, उसका फुल फॉर्म क्या है, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से एकदम बाय हार्ट कर लो क्वेश्चन, कार्बन ब्रास स्लीव रिंग क्या चीज है, डीसी डायनामो कैसा करंट तैयार होता है, कैसा करंट कैसा तैयार करता है, हीटर क्या चीज है, कहाँ बसता है, कब कहाँ फिट रहता है, हाइड्रेंट कहाँ कहाँ फिट रहता है, क्या काम करता है, रेती बॉक्स का क्या काम है, कहाँ रहता है, डीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, मैकेनिकल फॉर्म उसका अंदर क्या चीज है, फर्स्ट क्लास होगा तो उसको बोल दो उसका अंदर क्या चीज है वो रिफिल करो, कोई फर्स्ट क्लास रहेगा तो उसको रिफिल करने को बोलेगा, लेकिन सेकंड क्लास को अपना रिफिल करने को लिए बताएगा नहीं, रिफिल करो, क्योंकि जो पांचवी क्लास में पढ़ता है उसको तो दसवीं का क्वेश्चन नहीं डाल सकता, जो दसवीं में पढ़ता है उसको तो मास्टर डिग्री का क्वेश्चन नहीं बता सकता। तो इंजीनियर लोग जो सर्वेयर लोग हैं जो क्वेश्चन तैयार करता है उनको भी सीफेयर ट्रस्ट है, उनको भी मालूम है जो किसका कौन सा क्वेश्चन देना है, बात है। तो मैकेनिकल फॉर्म उसका अंदर में क्या 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 लिखा रहता है, आग लगा इंजन रूम में, आग लग गया भाई लिखा है आपको, उधर क्वेश्चन आया आग लग गया, लेकिन आप भागेगा कहाँ से, तो आग लग गया आप कहाँ से भागेगा, भागने के लिए तो जगह चाहिए, आप कहाँ से भाग जाएगा, तभी लिखने का या तो ओरल में क्वेश्चन आएगा तो आप डांट से बोलने का, मैं नहीं भागूंगा, मैं भागने वाला से नहीं है, क्योंकि जहाज को बचाने है, कंपनी मेरे ऊपर इतने करोड़ों का जहाज दिया है, मैं भागने के लिए आपको पेमेंट देता है हर एक महीना में,
आपका पास टिकट दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, अगर छोटा वेसल है तो उसमें आप इंचार्ज है, समझ लो, क्योंकि आपको भाग के नहीं चलेगा, भले मर जाएगा तभी चलेगा, लेकिन आप भाग के नहीं चलेगा, बुझाना है उसको, बिजाना है वो आग को, बिजाना है कैसा बिजेगा वो कोशिश करना है। इंजन रूम में और व्हील हाउस में एक पाइप है, इंजन रूम से व्हील हाउस तक, वो पाइप का नाम क्या है? हुक, जो अगर टाग बोट है उसमें हुक आता है, वो हुक का क्या काम है और हुक का देखभाल क्या करेगा? विंडलेस क्या चीज है, विंडलेस का क्या काम है? हाइड एंड कब चेक करेंगे? फायर ब्रैकेट क्यों दिया है आपके पास? फायर ब्रैकेट दिया, बाल्टी दिया है, वो बाल्टी बोलते हैं जो फायर बाल्टी, फायर ब्रैकेट क्या काम है, क्यों दिया है? LSA में क्या है? लाइफ सेविंग अप्लायंस, LSA में क्या क्या रहता है लाइफ सेविंग अप्लायंस में? बोया का साथ लाइट, इग्निशन लाइट जो है वो क्यों देता है? लाइट बोया का साथ एक एक लाइट रहता है, देखो क्यों देता है, उसका नाम क्या है? तुम्हारा सेफ्टी क्या है? एल होस कौन सा काम में आता है? फायर एड बॉक्स, जो फायर एड का जो बॉक्स है उसमें क्या क्या रहता है? फायर एड कब यूज होता है? फायर एड का जो क्या काम है, क्या काम में यूज होता है? आपका जहाज का सिर्फ काम करने के लिए क्या क्या करते हैं आप जहाज का, जहाज में जो आप है वो सिर्फ काम करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? फेरी लंच के लिए क्या सेफ्टी है? फ्लोटिंग बंकरिंग क्या चीज है? फ्लोटिंग बंकरिंग क्या चीज है? और बंकरिंग लेने का सेफ्टी क्या है? पॉल्यूशन कायदा क्या है, कब होता है पॉल्यूशन और उसको लिए कायदा क्या है? क्या क्या पॉल्यूशन होता है जो दरिया में, क्या क्या पॉल्यूशन होता है? आप चाहे जहाँ पे भी डायडॉग में गया, उधर विलेज छोड़ दिया या तो उधर बाथरूम यूज किया डायडॉग में जाने का बाद, ऐसा कभी नहीं करने का, जो जो है वो आपको कायदा मान के चलना पड़ेगा, दरिया का एक कायदा है वो भी आपको मानना पड़ेगा। विलेज भी जहाँ जहाँ आप छोड़ दिया तो ऑयली विलेज वो नहीं चलेगा, उसमें बहुत बड़ा फाइन आता है, जेल भी हो सकता है। तो दोस्तों उसमें आपका जो पोल्यूशन का जो कायदा है वो क्या कायदा है और क्या क्या पोल्यूशन होता है उसके लिए आपको प्रिवेंशन, पोल्यूशन जो प्रिवेंशन है क्या क्या आप करोगे उसको नहीं होने के लिए, पोल्यूशन आप क्या क्या करोगे, इंजन में से कैसे पोल्यूशन होता है, इंजन से कैसे पोल्यूशन होता है और कौन सा पोल्यूशन होता है, आग लगा आप क्या करेंगे, पोर्ट रूल का फॉलो कैसा करता है, पोर्ट रूल जो है पोर्ट का रूल रहता है वो रूल का फॉलो आप कैसा करता है, फॉलो आप कैसा करता है और ऑफिसर लोग का साथ में रिलेशन आप कैसा रखते हैं और क्यों रिलेशन रखना है ऑफिसर का साथ, हम जहाज लेके आया वार्टिंग कर दिया वो जहाज खाली क्या लेके चला गया, ऑफिसर कोर्ट का जो होता है, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर होता है, कोई भी आपका हायर अथॉरिटी होता है, कोई कस्टमर होता है, उनको सब में एक रिलेशन रखना पड़ता है, आप इंजीनियर होने का नाते, आप ड्राइवर जो इंचार्ज होने का नाते, मास्टर और ये ड्राइवर दोनों इंचार्ज होने का नाते उसको साथ में करना पड़ता है रिलेशन ठीक रखना। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर है बिल्कुल, आप सोचिए मत, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी कहाँ भी किधर भी आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन में मेरा प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन व्हाट्सएप में डाल दीजिए, मेरा आपका नाम लिख दीजिए, जरूर मैं आपको लिए हेल्प करेगा जितना हो सके। तो मैं सिर्फ यही बताता है कि कोई भी मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई जो सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर एग्जाम देने का आया, जो सीढ़ी में पाव रखने का आया, किसी का झांसा में जाने का नहीं, गरीब घर से आप आया है, आपको पास इतना पैसा नहीं है कि आप क्लास करने को जाने का है, और क्लास करने को जाता है तो वहाँ पे 35,000 लेता है सिर्फ 10-20 दिन, एक महीना क्लास कराता है, एक दो महीना
तो काय को लिया पैसा खर्च करने का है, और वहाँ पे यही सिखाता है। इससे अच्छा सिखाता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई कोई क्लास में यही सिखाता है। तो इसलिए इनलैंड वेसल में अगर आप एग्जाम देना है तो आप सब्सक्राइब कर लो, आपको दोस्त को बोल दो, आप किसी को आप बोल के रखो या हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, आराम से 100% आप पास हो जाएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं सेकंड क्लास पास हुआ, फर्स्ट क्लास पास हुआ, इंजीनियर हुआ, फिशिंग इंजीनियर हुआ, ये सब पास हो गया, तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारा टाइम में थोड़ा कोई नहीं था ऐसा यूट्यूब में देने वाला, या तो यूट्यूब में उस टाइम में नहीं था, तो हम इसको उसको इंजीनियर का हाथ पाँव पकड़ के सब क्वेश्चन देता था, वो क्वेश्चन मैं जमा करके रखता था। तो यही सी फिर ट्रस्ट का पास भी मेरा क्वेश्चन है, मुझे बुलाया गया था, सुब्रतो मुखर्जी करके था, श्याम कुमार साहब था, सैल्यूट उनका, श्याम कुमार साहब को, बहुत अच्छा आदमी है। तो उन्होंने सी फेयर ट्रस्ट संभालने के लिए, वही श्याम कुमार साहब है, बहुत दिन से जब से हुआ सी फेयर ट्रस्ट संभाल के रखा है श्याम कुमार साहब ने। तो थैंक यू, आज यहाँ तक है आप लोग, मेरा नंबर भी आपका पास होगा 9819631432, कभी भी गरज लगे 24 घंटा में आप व्हाट्सअप कर देना, आपका नाम लिख देना, तो इसके आगे आप पास हो जाओगे। लेकिन पास होने के बाद एक ये सीधा शब्द आप लिख देना, या तो पास हो गया सर इतना लिख देना, थैंक यू, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, और डर से पास हो जाइए।